हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर. चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोगों ने जो हमारा यूनिट 32 था कॉस्टिंग मेथड, उसमें हम लोगों ने दो तीन मेन मेन जो मेथड्स है वो डिस्कस किए थे. नंबर 1, यूनिट और सिंगल आउटपुट सिस्टम. दूसरा हमने किया था जॉब कॉस्टिंग, और थर्ड हम लोग कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने काफी सारी चीजें जो की पॉइंट्स थे या जो इम्पोर्टेंट है इसमें से, वो मैंने आप लोगों को मार्क भी करके बताया था. जैसे कि ये एस्केलेशन क्लॉज है, और प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, और एक आपका यहाँ पर ये रिटेंशन मनी है. तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, जैसे रिटेंशन मनी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिटेंशन मनी क्या होता है. फिर आपको ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको आपको मार्क करना है. और सेम ऐसी एस्केलेशन क्लॉज में, वहां पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या ये जो मेथड है वो सिर्फ इन्फ्लेशन सिचुएशंस के लिए, या फिर अगर इनकेस जो प्राइस है वो डाउन जाता है तो भी एप्लीकेबल होगा. तो आपको कहना बिल्कुल दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होता है. हालांकि जो दूसरी सिचुएशन है कि प्राइसेस कम हो जाए वो बहुत रेयर है, बट स्टिल जो रूल है वो दोनों के लिए है. ठीक है, तो ये हमने कर लिया था. फिर एक इलस्ट्रेशन से हम लोगों ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने देखा था, कि जितना वर्क डन हो जाएगा और टोटल प्रॉफिट का उतना हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन निकाल लेंगे. तो हमने क्या किया, 200 का वर्क हो चुका है, टोटल 500 का था और टोटल प्रॉफिट था 100. तो इस 100 में से इस 200 का पार्ट कितना है, 40 लाख. तो ये जो 40 लाख है ये हमारा क्या हो गया, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट हो गया. और इसमें अगर आप कुछ अमाउंट पहले से चार्ज कर चुके हैं तो जो रिमेनिंग है सिर्फ आप उसी को चार्ज करेंगे. ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल कर लिया था. इसमें बस 2 स्लाइड्स बची थी, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करके और फिर इसका जो पार्ट 2 है वो भी करेंगे. एक्चुअली बहुत लेंदी हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर उसको पार्ट्स में कर दिया. पहले तो सिंगल पीपीटी से काम चल जा रहा था ना, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी में इतना ज्यादा नहीं था कंटेंट. लेकिन इन चैप्टर्स में जो हम यूनिट 31, 32 और जो आगे यूनिट्स करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है. और मेरा एक खुद से मतलब एक ये कि एटलीस्ट एक बार मैं आपको बुक को थॉरली करा दूं, फिर बाद में शॉर्ट नोट्स और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स है वो सब बाद की बात है. लेकिन एक बार एटलीस्ट आप बुक को देख ले कि क्या क्या कंटेंट है. ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को लग भी रहा होगा, हो सकता है किसी को, कि बहुत बहुत ज्यादा बल्की स्लाइड्स हो रही हैं और बहुत मतलब ज्यादा कंटेंट हो रहा है. तो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट रीडिंग है. ठीक है, ऑब्वियसली जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो मैं इस कंटेंट से नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉस्टिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड मेंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कॉस्टिंग जो होती है वर्क इन प्रोग्रेस की, उसमें क्या होता है, अभी हमने जो चीजें पढ़ी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, क्योंकि देखिए हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो आपकी ज्यादातर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है. लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में हमें अपनी कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना. तो इस वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो है, नंबर 1 हमारा मटीरियल और लेबर कितना लगा, नंबर 2 जो हमारा प्लांट का यूटिलाइजेशन हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी बैठी. सपोज जैसे जेसीबीज हो गई, या फिर और जो भी मशीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है, हम कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, बाकी और भी कुछ हो सकता है. बट जनरली क्या होता है, जो हैवी प्लांट्स इन चीजों में लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो रोड बनाने वाला होता है ना, वो रोलर्स रोलर टाइप जो एक व्हीकल होता है, तो उस तरह के जो प्लांट है उसकी यूटिलाइजेशन कॉस्ट कितनी है. अगर आपका खुद का है तो आपकी रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी, और अगर आपका रेंटेड है तो उसका रेंट कितना है. तो इस तरह की जो कॉस्ट है उसको कंसीडर करना है. और थर्ड जो एलिमेंट है वो है कॉस्ट टू बी असाइन टू दी कॉन्ट्रैक्ट एज पर दी टर्म्स ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट. और जो भी कॉस्ट आप उस वर्क इन प्रोग्रेस पे आप असाइन करेंगे वो उस तरह से होनी चाहिए जैसा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. क्योंकि देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट टाइप होता है. तो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी टर्म्स है, जरूरी नहीं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स हैं वो वही फॉलो होंगे जो एक बार बता दिए गए हैं या आपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में हुए. ये पार्टी टू पार्टी डिफर करते हैं कि कौन सी पार्टी की क्या आप क्या लीजिए स्पेसिफिकेशन है, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे. कुछ कंडीशंस कॉन्ट्रैक्टर्स रखेंगे, अगर वो कस्टमर मान लेता है तो वो
एग्रीड हो जाएंगी, उनको फॉलो करना है, और कुछ कंडीशंस कस्टमर रखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर को माननी पड़ेगी। तो इन दोनों की, दोनों पार्टीज की आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उनको हमें फॉलो करके कॉस्ट को असाइन करना होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग। सपोज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अभी रनिंग में 5 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं अलग अलग पार्टी से, तो वो क्या करेंगे, हर पार्टी का अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और वहां पर सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ओनली। जैसे कि देखिए, एक परफॉर्मर है ये पर्टिकुलर अमाउंट का, तो हमने क्या किया, इधर डेबिट साइड में जहां पर भी अकाउंट होता है तो वहां पे डेबिट क्रेडिट आ जाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल, वेजेस पेड, जो भी आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, तो वो सब आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर आपके कौन से ये सब आपके आ रहे हैं एक्सपेंसेस, आप मान लीजिए, या जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वो यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, वेजेस कितने पे किए, प्लांट कितना यूज हुआ, जर्नल चार्जेस कितने लगे, वेजेस अक्रूड कितने, अक्रूड का मतलब कि वो हो गए हैं लेकिन अभी आपने पे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, आपका 500 लाख रुपीज, सपोज आपका बहुत ज्यादा हो गया, सपोज 5 लाख रुपीज आपके जो वेजेस हैं टोटल वो बैठे हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या अभी 4 लाख ही पे किया है, बाकी जो 1 लाख है वो ड्यू तो हो चुका है लेकिन आपने अभी पे नहीं किया, तो उसको बोलते हैं वेजेस अक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, मटेरियल, कितना मटेरियल आपके पास बचा है, जितना मटेरियल आपने टोटल सपोज 200 परचेज किया था, तो उस 200 में से आपका कितना रिमेनिंग है, 40 रिमेनिंग है वो, और वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अल्टीमेटली ये सब लगान, ये प्रॉफिट को हटा दीजिए, ये सारी चीजें लगाने के बाद और इसको हटाने के बाद जो आपके रिमेनिंग, आप समझ सकते हैं इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह अभी मान लीजिए, ये हटाने के बाद आपका एक्चुअल काम कितने का हुआ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि भाई टोटल आपका इतना काम हो गया, या अगर सपोज आप ये कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे अगर सपोज ये कोई प्रोडक्ट होता तो यहाँ पर आ जाता कि आपकी टोटल सेल अमाउंट कितनी है, या जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। हालांकि अकाउंटिंग पार्ट आपकी कोर्स में नहीं है तो इतना ज्यादा आपको कंसर्न नहीं होना है, सिर्फ एक ओवरव्यू है ये। ठीक है, बुक में दिया हुआ था तो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हम लोगों को जॉब के जो फीचर्स हैं उससे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी एक जॉब है। ठीक है, तो और है भी नो डाउट, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है कस्टमर्स की, या एक तरह से उसके कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जॉब का भी यही नेचर है, तो जॉब का समझ लीजिए कि एक जो पार्ट है वो ये भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो अब आप इसमें देखिए, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अगेन वही चीज जो मैं आपको समझा रही थी वो यहाँ पर आ गई, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो भी एक फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस देखते हैं। वर्क इज यूजुअली कैरीड आउट एट अ साइट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क प्लेस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर की जो फैक्ट्री या जो उसका जो वर्क प्लेस होता है वहां पर काम नहीं होता। ठीक है, उससे दूसरी जगह में होता है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जॉब में काम क्या होता है, जॉब में जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर का वर्क प्लेस या जो फैक्ट्री होती है वहीं पे काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइम टेकन ऑल्सो। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके लार्जर होते हैं और ज्यादा टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू जॉब्स। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर डायरेक्ट नेचर अनलाइक इन अ जॉब। कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट नेचर की होती है। क्यों, क्योंकि सपोज अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें तो उस समय पे आप जो भी खर्चे करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो आप पर्टिकुलर इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए करेंगे। लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब में अलग अलग स्पेसिफिकेशन का जो भी प्रोडक्शन होता है तो उसकी जो कॉस्ट है उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सॉरी। ठीक है, इन कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानते हैं, एक कॉस्ट यूनिट मानकर चलते हैं। हालांकि देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानकर चलते हैं, एक यूनिट। ठीक है, कि भाई हमारा ये एक यूनिट है। लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग दे कैन बी मोर देन वन कॉस्ट यूनिट। क्यों,
क्योंकि इसमें हम अलग अलग जो स्पेसिफिकेशन है उसकी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पर मोर देन वन कॉस्ट यूनिट हो सकता है. ठीक, तो ये इसके डिफरेंसेस हैं. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन में ही है, वो बस मैंने बहुत ज्यादा लेंथी होने की वजह से दो पार्ट्स में कर लिया था, अदरवाइज ये सब एक ही है. ये वाली जो फाइल कंप्लीट हो चुकी है ये मैं आप लोगों को मतलब भेज दूंगी, तो ये कल तक अपलोड हो जाएगी. मैडम ये क्लास रिकॉर्डिंग मोड में कब तक आ जाती है? सर देखिए, वैसे तो आप यूट्यूब पे तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन ऐप में आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है शायद. कल वाला क्लास असल मिस हो गया था, कल मैं देख रहा था तो यूट्यूब में भी कल वाली क्लास नहीं दिख रही. अच्छा, मैं बता रही हूँ सर, मैंने कल क्लास में भी बताया था. तो जब भी आपके साथ इस तरह का कुछ होता है तो ऐप में तो थोड़ा टाइम लग जाता है अपलोड होने में, आप तुरंत से आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, या फिर आपको जो शेड्यूल मिलता है ना सर, उसके नीचे ना एक यूट्यूब लिंक भी होता है, हर एक क्लास के शेड्यूल के नीचे उसका उससे रिलेटेड एक यूट्यूब लिंक होता है. तो अगर आप सपोज आपकी कोई क्लास स्किप हो गई तो आप उस वाले शेड्यूल पे जाइएगा, वहां पे यूट्यूब लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो जो क्लास है वो इजिली यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी. इनकेस नहीं मिलती है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम लोग आपको लिंक भेज देंगे. ठीक है, वैसे ऐप में भी अपलोड हो जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन वहां पर ना. आज सुबह देख रहा था तो कहीं दिखा. जी सर, सॉरी, एक दो दिन का आगे पीछे हो जाता है ऐप में, लेकिन यूट्यूब पे तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी. तो मैं सब लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि बहुत ज्यादा वेट ना करके फटाफट से आप यूट्यूब से आप उस क्लास को कम्प्लीट कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, चलिए अब हम लोग अगेन, अभी यही चल रहा है हमारा यूनिट 32 ही चल रहा है कॉस्टिंग मेथड्स. अब इसके पार्ट टू पे आए हम. तो अभी हमने कितने पढ़ लिए एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं. यूनिट और वो जो हमारा सिंगल आउटपुट वाला होता है वो हमने कर लिया है, जॉब कॉस्टिंग हमने कर लिया है. जो जॉब कॉस्टिंग है वो बहुत वाइडर कंसेप्ट है और बाकी के बहुत सारी चीजें उसी के अंदर आती है. और एक हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली जो कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होता है उसमें अप्लाई होता है, हालांकि और भी बहुत सारी जगह लगता है बट जनरली ये लगता है. और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है या मुझे याद है, इस तरह से आप लोगों को भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल याद रखने हैं, टिप्स पे रखने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है. ठीक है, तो ये जो दोनों स्टैंडर्ड्स हैं ये हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताते हैं. चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्थ नंबर आप इसको मान लीजिए, जो फोर्थ कॉस्टिंग मेथड हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग. ठीक है, ये क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर बहुत मास प्रोडक्शन होता है ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक, सेम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड्स आर कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट. जब हमारा प्रोसेस में जो काम होता है तो एक ही प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे सेम आप कह लीजिए कॉस्ट और ओवरहेड्स यूज होते हैं. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड्स आर कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट. देयरफॉर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल यूनिट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड देयरफॉर, मतलब सपोज अगर आपने 500 लीटर्स आपने किसी केमिकल का या किसी भी लिक्विड चीज का आपने प्रोडक्शन किया, तो आप इसको डिफरेंशिएट करना है कि ये जो सपोज 1 लीटर है इस पे कितनी कॉस्ट लगी है या दूसरे वाले में, तो उनमें डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता. लगभग लगभग मोर और लेस सब पे इक्वल कॉस्ट और ओवरहेड्स ही लगते हैं. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज अज्यूम्ड टू बी द सेम. कि सपोज अगर आपने 500 लीटर का कोई प्रोडक्शन किया तो आप ये मानकर चलेंगे कि पर लीटर आपका जो कॉस्ट है वो सेम अमाउंट ही है. अंडर द सिस्टम कॉस्ट आर कैलकुलेट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड देन अलोकेटेड टू ऑल ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड. हम क्या करेंगे, सपोज हमने 1 मंथ का, पूरे 1 मंथ का हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया कि भाई पूरे 1 महीने में हमारी कॉस्ट कितनी आई. सपोज 100 रुपीज आई और टोटल हमने जो यूनिट्स बनाई है सपोज वो 10 बनाई है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा ईच कॉस्ट. ठीक है, तो इस तरह से करके हम क्या करते हैं, टोटल जो भी फिक्स पीरियड होता है, एक फिक्स पीरियड में हम सारी कॉस्ट का टोटल करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम जितने भी यूनिट्स हमने बनाई है उससे हम उसका पर यूनिट निकाल लेते हैं.
इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है ऑयल रिफाइनिंग, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था वो क्रूड ऑयल वाला, कि हम क्रूड ऑयल को जब प्रोसेसिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेज पे कैरोसिन निकलता है, दूसरे स्टेज पे डीजल निकलता है, थर्ड स्टेज पे पेट्रोल निकलता है, फोर्थ स्टेज पे कोई गैशियस प्रोडक्ट निकलता है. तो ये क्या है, ये जो आपके अलग अलग लेवल्स पे या ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग हो रही है, यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली जो पेट्रोल बनेगा, सपोज हालांकि सारी चीजें जो हैं वो बिकती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका जो अल्टीमेट जो टारगेट है वो पेट्रोल का है, तो पेट्रोल की जितनी भी यूनिट, जितना भी क्वांटिटी उसकी बनी होगी, सपोज 500 लीटर अगर बना है, तो आप उसको क्या करेंगे, टोटल जो आपकी कॉस्ट आई है आप उसको जितने भी आपकी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो उससे आप डिवाइड कर देंगे. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो एक लीटर पेट्रोल है ये 10 रुपीज का है और जो दूसरे वाला लीटर पेट्रोल है वो 12 रुपीज का, ऐसे नहीं कर सकते आप. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, ब्रूइंग एंड केमिकल प्रोसेसिंग, तो ये सब जो है ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है प्रोसेस कॉस्टिंग के. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाउ वुड यू डिटरमाइन द प्रिसाइज कॉस्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 गैलन ऑफ एविएशन फ्यूल when thousands of gallon of the same fuel are gushing out of your refinery every hour. मतलब सपोज अगर आप सोचे भी कि आप 1 गैलन की जो कॉस्ट है वो निकालने की अगर आप कोशिश भी करें, तो लेकिन आप कैसे करेंगे जब thousands of gallons जो है fuel का every hour आपकी refinery में डाला जा रहा है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर total cost वाला concept लगाते हैं. The cost accounting methodology used for this scenario is process costing. तो इस तरह की situations में जो costing method use होता है उसको हम बोलते हैं process costing. ठीक है, यहाँ पर एक और चीज होती है. देखिए क्या होता है, suppose अगर मैं ये refinery वाला example लूँ, for example मेरा first stage जो है उसमें kerosene बना, दूसरे stage में मेरा diesel बना, तीसरे stage में मेरा petrol बना, और for example मेरा जो target है वो petrol तक है. इसको फर्दर सपोज मैंने रिफाइन नहीं किया, तो क्या होगा, जब ये जो मेरा प्रोसेस वन होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, मैं कुछ इनपुट्स डालूंगी या आप कह लीजिए कुछ मेरे खर्चे होंगे, वो खर्चे करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, फिनिश गुड्स नहीं, आउटपुट लेकिन जरूर मिलेगा. आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा, कैरोसिन की फॉर्म में मिलेगा मुझे. ठीक है, अब अगर बाय चांस मुझे कैरोसिन ही बेचना पड़ जाए, अभी आगे आएगा ये, उसको हम ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट का टारगेट लेकर चलते हैं लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ बाय प्रोडक्ट्स और कुछ आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं. जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि सपोज आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री में होता है कि जब हम शुगर बनाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए जब जो जब हम वीट का वीट को उसका जो भी प्रोसेस होता है मुझे उसका नाम नहीं पता, जब हम उसके कवर से वीट को अलग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि एक बहुत ड्राई सा जो मटेरियल होता है जिसको भूसा कहते हैं, जो एनिमल्स के लिए यूज होता है, उनको जो घर में जो एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए यूज होता है. ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है, तो वो भी बिकता है, तो वो बिकता है तो आप उसको किस रेट पे बेचेंगे. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे कैरोसिन बेचना है तो आप कैसे आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जब आपका ये प्रोसेस वन कंप्लीट होगा, आपने कहा मैंने इतनी कॉस्ट टोटल लगाई है और इस कॉस्ट में जो मेरा ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरा टोटल इतने एक्सपेंसेस लगे, तो वो उस पर्टिकुलर जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बेच सकते हैं अगर आप उसको कमर्शियली आप उसको सेल कर रहे हैं तो. ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इसीलिए इस तरह के जगह पे यूज की जाती है, सो दैट कि आप अगर बाय चांस कोई बाय प्रोडक्ट या फिर कोई जॉइंट प्रोडक्ट भी बन रहा है तो आप उसका भी कॉस्टिंग कर सके. अब यहाँ पर फाइनली आप पेट्रोल का तो प्राइस निकाल देंगे, ये आपका फिनिश गुड्स है, लेकिन बाय चांस अगर आपको डीजल या केरोसिन बेचना पड़ जाए जो कि बिकता है, तो उसकी कॉस्टिंग आप कैसे करेंगे, तो क्योंकि हर प्रोसेस के अपने खर्चे होते हैं और अपना आउटपुट होता है, तो इस वजह से ईजी हो जाता है केरोसिन और डीजल की कॉस्ट पता करना. ठीक है, और इसीलिए इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है. फीचर्स देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग के, नंबर वन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टैंडर्ड एंड कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस. ठीक है, प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं और जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो स्टैंडर्ड होता है. जैसे कि सपोज अगर रिफाइनरी का प्रोसेस है
तो जो भी उसके अंदर चीजें होती होंगी वो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, ऐसे नहीं कि कभी ऐसे कर, कभी ये वाला मेथड फॉलो कर लिया, कभी दूसरे तरीके से रिफाइन कर लिया, तो ऐसा नहीं है. स्टैंडर्ड होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है और होमोजीनियस होता है. नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस. अगेन देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब फर्स्ट प्रोसेस आप, जी सर मैम पूछिए. जी मैं बोलिए ये सर. पूछ रहा था कि जैसे आपने यहाँ पे केरोसिन का उदाहरण दिया, तो जी हम लोग अगर मान ले कि 100 गैलन एक बार में अगर डाल के हम उसको रिफाइन करके केरोसिन बनाते हैं, जी तो इसमें जो भी हमारा इनपुट मिलता है जी जी उसका कॉस्ट, 100 गैलन का कॉस्ट, जी वो दोनों को जोड़ करके हम पर यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे, जी कैरोसिन का पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे. ठीक है? और उसके बाद अगर हमको डीजल बनाना है जी तो डीजल में क्या कॉस्ट लगेगा, यानी कि वो 100 गैलन का कॉस्ट इंक्लूड होगा, फिर जी ये सर, केरोसिन में जो लगा जी जी वो सर इंक्लूड होगा, बिल्कुल. फिर डीजल, अच्छा वो सब मिला के हाँ होगा। जी, देखिए मैं आपको बताती हूँ सर, ये जो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस. यहाँ पर क्या होता है, सपोज मेरा ये 100 गैलन कैरोसिन बना, मतलब फर्स्ट उसका प्रोसेस का जो मेरा आउटपुट है वो कैरोसिन है, और उसकी जो कॉस्ट मतलब टोटल जो मेरा खर्चा हुआ है उस पर 120 रुपीज हुआ है फॉर एग्जाम्पल. तो जब मैं सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करूंगी ना सर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन. ठीक है, इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है वो, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करें, सिर्फ एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ. तो क्या होता है, जब सेकेंड प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, सपोज ये आपका प्रोसेस नंबर टू है, तो यहाँ पर आप जब अकाउंट बनाएंगे प्रोसेस टू का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन, और जितना भी उसकी यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे, सपोज 100 यूनिट है और आपके 120 रुपीज उसकी कॉस्ट है, 120 × 2 यूनिट्स करके आप लिख देंगे, तो आपकी ये हो जाएगी 12,000. ठीक है, 120 आपका सपोज पर यूनिट लगा, टोटल आपका 100 गैलन है, तो आपका 12,000 आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, और 100 आपकी यूनिट हो जाएगी. फिर उसके बाद फर्दर जो इसके अलावा कैरोसिन के अलावा और जो आपके एक्सपेंसेस होंगे कैरोसिन को डीजल में कन्वर्ट करने के लिए, वो एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे. फिर फाइनली जो ये टोटल कॉस्ट बैठेगी, सपोज बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, 2,000 ले लीजिए. ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, कॉस्ट कितनी हो गई, 14,000. तो फिर जब आप डीजल का कैलकुलेशन करेंगे, तो आप उसकी पर यूनिट को 14,000 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसकी जो टोटल कॉस्ट बैठेगी डीजल की वो 14,000 बैठेगी. तो इस तरह से हम एक प्रोसेस के इन आउटपुट को नेक्स्ट प्रोसेस के का इनपुट मानकर चलते हैं विद कॉस्ट. ठीक है, जितना भी कॉस्ट लगा है प्रोसेस वन में, उसको हम सेकेंड वाले में उसको नोट डाउन करते हैं. ठीक है, कि भाई कैरोसिन को बनाने में टोटल इतना हमारा कॉस्ट लगा है, तो इसीलिए फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो सेकेंड प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाता है. ठीक है, विद कॉस्ट. एज द प्रोडक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, इट एक्यूमुलेट्स कॉस्ट. ऑब्वियसली जब भी प्रोसेस वन से कोई चीज प्रोसेस टू में शिफ्ट होगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पर कॉस्ट ऐड होगी, क्योंकि उसमें प्रोसेस टू में आप जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फर्दर एडिशन करेंगे ना, एडिशन करेंगे तो इट विल क्रिएट या एक्यूमुलेट कॉस्ट, तो वो जो कॉस्ट होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी. कॉस्ट एक्यूमुलेटेड इन ईच प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ बोथ. अब वो जो कॉस्ट होगी वो दोनों ही हो सकती है, डायरेक्ट नेचर की भी हो सकती है और इनडायरेक्ट नेचर की भी हो सकती है. ठीक है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, कि हम क्या करेंगे, प्रोसेस वन की जो यूनिट्स होती हैं उसको हम कॉस्ट और यूनिट का कंपैरिजन करके ना, थोड़ा सा टिपिकल है ये, बस एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ. तो हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट्स को इसमें आप कह लीजिए किसी तरीके से, हम क्या करते हैं इसके इक्विवेलेंट बना लेते हैं, कि इसके यूनिट इस सपोज इसकी 80 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स ऑफ प्रोसेस टू आउटपुट. इस तरह से करके हम एक मेथड फॉलो करते हैं, तो ऐसा भी इसके अंदर किया जाता है. द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस एंड एलोकेटेड टू द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस. अब देखिए कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि जब उनका प्रोसेस होता है, जब अगर आप उसको टाइटली बंद करके रखते हैं तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे आप उसको ओपन में रखते हैं तो वो इवेपोरेट होने लगते हैं, तो लेकिन जब प्रोसेसिंग होगी तो तब
तब तो उनको ओपन करना ही पड़ेगा जब वो मशीन्स में होंगे या जिस प्रोसेस में भी होंगे, तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत हमारा वेस्टेज हो जाता है। अब आप उस वेस्टेज को, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस में ऐड करते हैं। सपोज अगर आपने 80 लीटर आपने केमिकल डाला और वो बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस वो जो आउटपुट देता है, जनरली आपको पता है कि इसमें 10% जो है वो डिसअपियर हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 80 का 10% कितना हो गया, 8। तो आपका जो फाइनल जो एक तरह से यूनिट यूज हुई है वो कितनी हुई है, 72। तो ये जो 8 यूनिट्स आपकी खराब हो गई, आप क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट निकालेंगे, जो भी इनपुट कॉस्ट उसकी रही होगी, और उस कॉस्ट को आप उस यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मल वेस्टेज के सामने दिखा देंगे, हमारा नॉर्मल वेस्टेज इतनी यूनिट का और इतना पर यूनिट पे टोटल इतने रुपए का हुआ है। लास्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस व्हाइल अदर कॉस्ट आर ग्रेजुअली एडेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑब्वियसली जो अब सपोज देखिए, अगर रिफाइनरी का हम बात करें तो जो उसका मेन जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो क्या होगी, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो मेन मेन जो है वो आपका मटेरियल हो गया क्रूड ऑयल, तो वो स्टार्टिंग में ही लग जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी और जो भी प्रोसेस होते हैं वो ग्रेजुअली उसमें ऐड होते जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है वो बिगनिंग में ही उसमें लग जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू ऑल प्रोडक्ट्स व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोसेस और देयर इज कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, इसमें आपके कुछ केसेस होते हैं, जैसे देखिए वेयर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जहां पर भी आपके सेम प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन सच केसेस द यूनिट कॉस्ट इज अराइव एट, और ऐसे केस में हम जो कॉस्ट निकालेंगे, यूनिट कॉस्ट वो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, व्हेन अ प्रोडक्ट यूजेस सर्विस ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड असेस द कॉस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच डिपार्टमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट ने कितना कॉस्ट कंट्रीब्यूट किया है, इससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा कि द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन कॉस्ट एस्केलेशन। कि अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में अचानक से कॉस्ट का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब बाकी सब डिपार्टमेंट ने ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है तो वो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वे सिमिलर प्रोडक्ट्स विद वेरिंग प्रोडक्ट्स फीचर्स आर प्रोड्यूस, समटाइम्स अ कंपनी वॉन्ट्स टू सेल मोर देन वन वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट हैविंग सम एक्स्ट्रा फीचर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मुझे ज्यादा पता नहीं इस बारे में, लेकिन अगर हम पेट्रोल डलाने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपको वो वाला दूसरे वाला पेट्रोल डाल दें, ऐसे करके भी शायद आजकल कुछ होता है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि ये देखिए, इसका एक एग्जांपल है, एन ऑयल रिफाइनर में इंट्रोड्यूस पेट्रोल विद हायर ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ये कुछ होता होगा साइंस में, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो सपोज आप इसको एक इसका अलग वर्जन या इसका आप कह लीजिए इसकी अच्छी क्वालिटी वाला, आप मान लीजिए एक नॉर्मल पेट्रोल हो गया, एक हायर क्वालिटी का कोई अच्छी क्वालिटी का कुछ हो गया जिसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होंगे। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी पेट्रोल विद मिक्सिंग ऑफ ओनली एन एक्स्ट्रा केमिकल। ये क्या होगा, स्पीड के नाम से है मैडम। किसके नाम से सर? स्पीड, स्पीड। अच्छा, मतलब ये स्पीड, इससे स्पीड इफेक्ट होती है? नहीं, स्पीड नहीं, स्पीड नाम ही है उसका। एक नॉर्मल पेट्रोल होता है, जैसे पेट्रोल में एक पेट्रोल अच्छा, होता अच्छा, है, अच्छा। भी है। हाँ, ऐसे और भी नाम से आता है। तो अब आप देखिए, तो इस केस में क्या होगा, अब आपने क्या किया, पेट्रोल तो बना लिया ठीक है, लेकिन अब अगर आप उस पेट्रोल में कोई एक्स्ट्रा फीचर आप दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वो नॉर्मल पेट्रोल होगा उसमें आपने वो जो पर्टिकुलर चीज ऐड की है, कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल या जो भी आपने उसमें ऐड किया है, तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग हेल्प्स द रिफाइनर टू नो द कॉस्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली प्राइस द प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि भाई पेट्रोल बनाने में मेरा 100 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन अगर मैं ये वाला पेट्रोल बनाता हूँ, एक एक्स्ट्रा वर्जन का जो पेट्रोल बनाता हूँ, उसमें मेरा 10 रुपीज पर लीटर मेरा खर्च हो जाता है, तो वो क्या करेगा, 20 रुपीज, तो ये तो उसकी कॉस्ट ही होगा 120, प्लस इसमें जो भी उनका मार्जिन रहेगा वो एड करके वो उसको सेल कर देगा।
तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी अलग अलग वर्जन बन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि यहां तक की कॉस्ट अलग हो गई, फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रोसेस की जो कॉस्ट लगी उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों? इसकी ये भी निकालना अलग जरूरी है, और ये भी क्योंकि हम तो दोनों ही वैरायटी का बेच रहे हैं ना, हमें इसकी भी प्राइसिंग करनी है और इसकी भी प्राइसिंग करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या क्या होता है? नंबर वन, वेटेड एवरेज कॉस्ट। देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट के नाम से ही पता चलता है कि हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो फिर देख लेते हैं इसको। ये आपका सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, एडिंग टुगेदर ऑल, जो भी आपके टोटल कॉस्ट है उनको आपने ऐड किया, और फिर उसके बाद आपने जो भी यूनिट्स आपने बनाई है उसमें आप क्या कर देंगे, उस कॉस्ट को असाइन कर देंगे। ये जो मेथड है, द मेथड इज यूज इन सिचुएशन वेयर देयर इज नो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जहां पर कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम नहीं होता तो वहां पर हम ये एवरेज कॉस्ट वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नीचे दूसरे मेथड्स में। फिर आपका दूसरा वाला स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इट इज सिमिलर टू वेटेड एवरेज, बट इंस्टेड ऑफ असाइनिंग एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर असाइन टू द प्रोडक्शन यूनिट्स। मतलब ऊपर में तो क्या है, जो एक्चुअल कॉस्ट हुई, एक्चुअल डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग बना के रखते हैं कि इतना हमारा होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, जो डिफरेंस आता है ना एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में, उसको हम क्या करते हैं, इस चार्ज टू अ वेरियंस अकाउंट। वेरियंस मतलब जो भी डिफरेंस आया, तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम वैसे तो वेरियंस के नाम से ही रखते हैं, अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगी मैं आपको बहुत अच्छे से ये क्या होता है वेरियंस, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले सिस्टम में क्या होगा, स्टैंडर्ड्स हम सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या डिफरेंस है बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो अगर सपोज हमारा कम में हो गया तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिटेबल बात है, और अगर नहीं होता है तो हम उसको वेरियंस के नाम से दिखाते हैं, जितना भी डिफरेंस होता है। सपोज अगर इन दोनों में टोटल 1000 रुपीज का डिफरेंस आया तो वो 1000 को हम वेरियंस के नाम से दिखा देंगे, लेकिन कॉस्ट हम क्या ही मान के चलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, सपोज अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने माना था 20,000, ठीक है, और एक्चुअल में हमारा जो एक्सपेंसेस बैठे वो बैठे 21,000, तो जो हम कॉस्टिंग करेंगे वो 20,000 की करेंगे, बाकी का जो 1,000 होगा उसको वेरियंस अकाउंट में अलग से डाल देंगे। ठीक है, अच्छा मैम, जी सर बोलिए। मैम आप ऐसा कह रहे हैं कि ये 20,000 मेरा अज्यूमिंग कॉस्ट है? हाँ, स्टैंडर्ड मतलब जो हमने हम अज्यूम करके चल रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन। ओके, थर्ड मेथड देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट मेथड। ये अभी एक दो जगह और पढ़ने को आपको मिलेगा, पर वहां पे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में होगा। देखिए इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ द करंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो आपका कॉस्ट था ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप मान लीजिए 2021 में आपने कोई प्रोडक्शन किया और फिर 22 में आपने कोई प्रोडक्शन किया, तो जो इसके आउटपुट की जो कॉस्ट थी, हो सकता है उस समय कुछ पर्टिकुलर कुछ कॉस्ट मतलब थोड़ा इतनी महंगाई ना रही हो, या हल्का फुल्का कॉस्ट में वेरिएशन आता ही है, तो फॉर एग्जाम्पल वो जो चीज थी वो 8 रुपीज पर यूनिट थी उसकी जो कॉस्ट थी। ठीक है, और जो 22 में आपने जो जो भी वो प्रोडक्ट बनाया, सेम प्रोडक्ट, वो आपका 9 रुपीज पर यूनिट सपोज बैठा, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कंपेयर टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट बिकॉज इट क्रिएट्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉस्ट फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। मतलब सेम प्रोडक्ट ही बन रहा है, लेकिन फिर भी उन दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया कि ये जैसे हम कार के बारे में बात करते हैं ना, ये 21 मॉडल है, ये 22 मॉडल है, इस तरह से, तो फिर उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी इसी तरह से होती है। FIFO costing is used when there are ongoing and significant change in the product cost from one process or period to another process or period. कहने का मतलब ये, इसमें ना जहां तक मुझे लगता है वो कार वाला जो एग्जाम्पल है वो सूटेबल होगा, क्योंकि कार में क्या होता है, सेम कार सपोज आपने 2021 में किसी कार की जो भी कॉस्ट रही होगी 22 में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बढ़ेगी, डाउन भी जा सकती है, तो ऐसा कार के केसेस में चलते रहता है कि जो 21 मॉडल था उसमें कॉस्ट ज्यादा थी, फिर जो उसका नेक्स्ट मॉडल आया, हो सकता है उसमें उन्होंने नेक्स्ट ईयर वाले मॉडल में उन्होंने कुछ फीचर्स कम करके, जिससे कि कस्टमर के लिए ये जो कार है पर्टिकुलर कार वो अफोर्डेबल हो सके,
तो क्योंकि प्राइसेस अलग अलग हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर फीफो मेथड लगाना पड़ता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पुराना है उसको आप पहले निकालें, ठीक है। और इसमें फिर कंपनी की अपनी अलग अलग जो भी उनकी पॉलिसीज रहती होंगी तो हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन नॉर्मल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले केस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेम प्रोडक्ट की जो पीरियड में चेंज होने की वजह से, प्रोसेस में चेंज होने की वजह से जो डिफरेंस आता है प्राइसिंग का, उसको हम फिर फीफो मेथड से मैनेज करते हैं, ठीक। प्रोसेस लॉसेस, देखिए इसमें एक मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, अभी हम दोबारा से कर लेते हैं। देखिए the quantity of raw material in most of the manufacturing process does not remain same throughout, the quantity of material in the finished goods is normally less than that of raw material consumed. मतलब suppose अगर आपने 100 unit का raw material आपने input किया कहीं पे डाला आपने किसी process में, तो उसका जो output मिलेगा आपको वो generally आपको कम units में मिलता है, ठीक है, क्योंकि कुछ percentage जो होता है वो बहुत सारे reasons की वजह से reduce हो जाता है, ठीक है। वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द लॉस ऑफ मटेरियल मे वेरी, ठीक है, और हर केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि केमिकल प्रोसेसेस में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इसमें क्या होता है इवापोरेशन या लीकेज के कारण जो हमारे यूनिट्स जितने हमने लगाए थे उतने यूनिट्स का हमें आउटपुट नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत वेस्टेज, और जिसको आप नॉर्मल वेस्टेज मानते हैं, ठीक है। और कुछ आपके कुछ ऐसे लॉसेज है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि मटेरियल चोरी हो गया या जो प्लांट है उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो जो उस वजह से हमारा जो मटेरियल है वो उसमें फंसा रह गया या हम नहीं उसको निकाल पाए, या फिर जो लेबर है उन्होंने थोड़ी केयरलेसनेस दिखाई और मटेरियल का वेस्टेज हो गया, तो ये वाले जो लॉसेज हैं इसको आप कह सकते हैं अवॉइडेबल। लेकिन ये जो इवेपोरेशन और लीकेज वाले जो है ये आप ये क्या है अनअवॉइडेबल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया है इन लॉसेस को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, नंबर वन नॉर्मल लॉस, नंबर टू अबनॉर्मल लॉस। तो पहले नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ते हैं। लॉस विच अकर्स ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मटेरियल्स अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, मतलब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का अगर नेचर ऐसा है कि उसमें थोड़ा बहुत वेस्टेज या थोड़ा बहुत सामान फंसा रह जाएगा या थोड़ा बहुत लीक हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा, या फिर किस वो जो रॉ मटेरियल उसका नेचर ऐसा है, तो दोनों ही कंडीशन में से अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो नेचर ही है उस प्रोडक्ट का। इसका बेस्ट एग्जांपल मैडम पेट्रोल हो सकता है। जी सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल भी अगर आप उसको ओपन में या धूप में रखे तो शायद वो ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है ना। तो ऐसी और कोई भी आप काफी सारे केमिकल्स के केस में ऐसा होता है, वो जो थिनर वाला जो एक केमिकल होता है जो इसमें पेंट वगैरह में यूज होता है, उसका भी यही नेचर होता है, वो भी अगर उसको आप खुला छोड़ दे तो गायब भी हो जाता है। जो नॉर्मल हम लोग घर में जो वो नेल पेंट रिमूवर जो थिनर यूज करते हैं उसके साथ भी सेम है, आप उसका आप तभी देखेंगे जब उसकी जो बॉटल आती है उस पे एक अंदर क्या होता है एक एयर टाइट प्लास्टिक की कैप होती है, फिर उसके ऊपर दूसरी कैप होती है नॉर्मल कैप, वो इसीलिए होती है क्योंकि अगर उसमें वो एक्स्ट्रा कैप नहीं लगेगी तो वो जो पूरा जो केमिकल है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इस तरह के लॉस को हम नॉर्मल लॉस मानते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉर्मल कंडीशंस मे नॉट ऑलवेज बी द सेम, सो अ स्टैंडर्ड इज टू बी सेट। अब ये तो है नहीं कि अगर हमने सपोज माना कि आप पेट्रोल थोड़ा बहुत तो चलो खत्म हो ही जाता है, थोड़ा डिसअपियर हो ही जाता है, लेकिन ये नहीं कि अगर आपने 100 यूनिट्स सपोज 100 लीटर्स का सपोज आपने किया तो उसमें 50 लीटर्स ही बचा, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जो भी आप प्रोसेस करते हो जनरली आपको ये देखने को मिल रहा है कि हर बार 10% ऑफ टोटल जो भी रॉ मटेरियल आप लगा रहे वो डिसअपियर हो जाता है, तो इस तरह के स्टैंडर्ड जो है वो सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे तो क्या होगा कल को अगर लेबर जो है उनके द्वारा अगर वो भी कोई गलती करेंगे तो हम फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम कहेंगे कि अच्छा ये तो नेचर ही ऐसा है इसका, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट करने पड़ेंगे कि नॉर्मली 5% 10% या पर यूनिट जो भी होता होगा, ठीक है। टू स्पेसिफाई दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉर्मल कंडीशंस, कि नॉर्मल कंडीशंस में
10 या 5% का ही वेस्टेज है. अगर सपोज इससे ज्यादा रहा, दैट मीन्स कुछ और प्रॉब्लम है, वो एबनॉर्मल है. ठीक है, द एस्टिमेट्स ऑफ नॉर्मल लॉस इज यूजली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. और ये जो स्टैंडर्ड्स हम बनाएंगे वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाएंगे कि जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं उस केस में. फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ केमिकल ड्यू टू इवेपोरेशन विल नॉट रिजल्ट इन एनी स्क्रैप. अच्छा देखिए, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सपोज आपको यूनिट बना रहे थे और वो सपोज उसकी जो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, तो वो जो डिफेक्टेड आइटम होगा वो आपके नजरों के सामने होगा ना, तो उसका आइडेंटिफिकेशन ईजी है. ठीक है, कि जो भी स्क्रैप होगा, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा, उससे आइडिया लगाना कि कितनी यूनिट्स आपकी लॉस हुई है. लेकिन अगर हम केमिकल्स के बारे में बात करें तो ड्यू टू इवेपोरेशन विल नॉट रिजल्ट इन एनी स्क्रैप. तो कुछ बचेगा तो है नहीं कि भाई क्या मतलब, जितना इवेपोरेट हो गया तो उसका आपके पास कोई स्क्रैप नहीं बचेगा, कोई मतलब इस तरह का प्रूफ नहीं बचेगा. वाइल मशीनिंग प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सेल विल रिजल्ट. ठीक है, ये स्टील स्क्रैप वाला एग्जाम्पल देने कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो स्क्रैप है वो भी थोड़ा बहुत आपका क्या होता है, बिक जाता है. ये जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है, या आप उसको सपोज अगर आप स्टील का कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, नहीं वो सही बना, तो आप उसको क्या करेंगे, वापस से उसको स्टील की शेप में लाके वो बिक जाता है. ठीक है, एज अ स्क्रैप बिक जाता है वो. तो इसकी जो सेल वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं प्रोसेस अकाउंट में. देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, ये आपका प्रोसेस वन है, और अगर सपोज आपने जो भी मटेरियल लगाया था और उसका कुछ डिफेक्ट हो गया, तो आपने उसको एज अ स्क्रैप बेच दिया, तो ये एक तरह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा. जितना भी आपने बेचा तो वो आपकी कॉस्ट में से कम हो जाएगा. अगर आपकी 100 रुपए कॉस्ट है और 1 रुपए में वो स्क्रैप बिका है, तो आपकी जो कॉस्ट है 99 रुपीज रह जाएगी. इस तरह से आप इस स्क्रैप को यहाँ पर आपको शो करना होता है, लेकिन केमिकल वाले कंडीशंस में ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो इसका ये नॉर्मल जो नॉर्मल लॉस का जो फॉर्मूला है वो है टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप अगर है तो, डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट. ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ जो भी लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर सेल वैल्यू अगर स्क्रैप है तो ठीक है, आप उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए, नहीं है तो फिर टोटल जो भी कॉस्ट होगी डिवाइड बाय जो यूनिट्स होंगे आप उससे उसको डिवाइड कर दीजिए. ठीक, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ लॉस आता है एबनॉर्मल लॉस. अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल लॉस हमेशा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर होता है, लेकिन एक्चुअल लॉसेज जो है वो कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन, सच एज पावर फेलियर, मशीन और प्लांट ब्रेकडाउन, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर्स, एक्सीडेंट एक्सेट्रा. सपोज वर्कर्स ने क्या किया, जो बहुत बड़ा जो कंटेनर था वो केमिकल का, उसका जो वो जो एक एक्स्ट्रा उसमें लेयर लगाते हैं, वो एयर टाइट वाले ढक्कन वाली जो लेयर होती है, वो कैप उन्होंने खुली छोड़ दी और ऊपर से जो नॉर्मल वाली कैप थी वो लगा दी. तो क्या होगा, ये लॉस नॉर्मली होना नहीं था, लेकिन केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर्स की वजह से इस तरह का लॉस हो गया, तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं. ठीक है, सच लॉसेज आर इन एक्सेस ऑफ द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस, और ये नॉर्मल लॉस से एक्सेस होते हैं, इसीलिए इसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं. इसकी जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. अगेन यहाँ पे भी सेम चीज लगेगी. अब ठीक है, लॉस हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं है, मतलब करेंगे लेकिन फ्यूचर के लिए करेंगे ना. अब जो लॉस हो गया वो तो हो गया, ठीक है, बाद में हम उस वर्कर को उसका उसको पेनल्टी लगाएंगे जो भी करेंगे, लेकिन लॉस तो हो चुका है ना आपका. तो अगर वो लॉस उसका वो स्क्रैप वाला कॉन्सेप्ट है तो स्क्रैप को माइनस कर देंगे, और नहीं है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस. ठीक है, तो इस तरह से करके हम वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकाल लेंगे. अब जिस तरह से एबनॉर्मल लॉस होता है ऐसी एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है. ये देखते हैं क्या होता है. इफ द एक्चुअल प्रोसेस लॉस इज लेस देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस, मतलब सपोज आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको 10% का लॉस होगा, लेकिन जो लॉस है वो आपका सपोज 5% का हुआ, तो ये जो 5% लॉस आपको नहीं हुआ जो कि आपका एक्सपेक्टेड लॉस था और नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन. फायदा हो गया ना हमें, हम 10% का नुकसान मान के चल रहे थे लेकिन 5% का हुआ, तो 5% का हमें फायदा हो गया. दिस मे बी ड्यू टू दी क्योंकि हमने एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बढ़ाया, हमने वर्कर्स को बहुत हमने स्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें हम जॉब से निकाल देंगे, जो भी स्ट्रिक्टनेस जो भी सुपरवाइजर ने रखी होगी,
फेवरेबल प्रोसेस ऑफ कंडीशन. अब देखिए इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई जो केमिकल है वो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस में ज्यादा इवेपोरेट होता हो और कुछ में नहीं होता हो. फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं विंटर्स में ज्यादा होता है और समर्स नहीं, उल्टा बोल रही ना, सपोज समर्स में ज्यादा होता है इवेपोरेशन और विंटर्स में कम होता है. तो इस तरह की अगर सपोज कुछ पर्टिकुलर कंडीशन चेंज हुई है तो उस केस में भी हमें एबनॉर्मल गेन हो सकता है. ठीक है, एबनॉर्मल गेन डज नॉट मीन दैट द आउटपुट इज मोर देन इनपुट. ऑब्वियसली एबनॉर्मल गेन का मतलब ये नहीं कि आपको आउटपुट ज्यादा हो गया, नहीं, आपका बस जो लॉस है वो कम हुआ है एज एक्सपेक्टेड. इट ओनली मीन द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन इन द आउटपुट क्वांटिटी कंपेयर टू द इनपुट क्वांटिटी विच इज एस्टिमेटेड. जो हमने पहले मान के चले थे कि भाई इतना तो हमें नुकसान हो गई, 10 यूनिट तो हमारी खराब हो गई होंगी ही, लेकिन वो नहीं हुई, 10 की जगह सिर्फ 5 ही खराब हुई. ठीक है, इसकी जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एबनॉर्मल लॉस की तरह ही कैलकुलेट करते हैं. और इसको हम क्या करते हैं, गेन इज नॉट यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन बट इट इज टेकन इन टू P&L. देखिए जो ये एबनॉर्मल लॉस होता है इसको तो हम अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं, प्रोसेस अकाउंट में, लेकिन ये जो एबनॉर्मल गेन होता है ना इसको हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, प्रोसेस अकाउंट में नहीं दिखाते. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक, नेक्स्ट P&L अकाउंट में कौन सा साइड इसको दिखाएंगे? सर इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड होती है, ये हमारी इनकम साइड होती है, उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. ठीक है, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड इक्विवेलेंट. ये दे ही दिया है इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को. चलिए करते हैं इसको भी. फर्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस देख लेते हैं, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स देखेंगे. प्रोसेस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, अच्छा बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि थोड़ा बोरिंग लग रहा हो. मैम इससे आसान तो पहले वाला ही था. जी सर. हाँ मैम, मैम बोल रहे थे कि इससे आसान तो जो सिलेबस चेंज हुआ उससे पहले वाला ठीक था. डी मॉड्यूल पर नहीं पड़ रहा वो, इसलिए वो इसलिए अच्छा था ना सर, वो आप लोगों के वर्क प्रोफाइल से मैच करता था. तो वो चीजें बहुत सुनी सुनी सी, पड़ी पड़ी सी लगती थी, तो इंटरेस्ट भी बहुत आता था और अच्छा भी लगता था, और वो स्कोरिंग भी होता था नो डाउट. क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं लेकिन आप बिल्कुल 100% आप इसमें एफिशिएंट नहीं हो सकते. रीजन क्योंकि ये आप लोगों का बेस नहीं रहा है, तो ठीक है अभी जितना, क्योंकि मैं भी आपको हर चीज नहीं बता सकती अभी, लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए जहां पर आपको कोई और कॉन्सेप्ट भी, सपोज अगर मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगी तो मैं तो सारे अपने जो भी मुझे नॉलेज होगी वो सब अप्लाई कर दूंगी, लेकिन आप सिर्फ उतना ही कर पाएंगे जितना मैंने आपको पढ़ा है, तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है. तो वो जो मॉड्यूल डी था ना वो बहुत अच्छा था, आप लोगों का स्कोरिंग था, तो स्कोरिंग तो ये भी है लेकिन इसमें मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा, और इसमें इंटरेस्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा है. ठीक है, अभी तो आप लोग जब अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में जाएंगे तो आप कहेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो कहेंगे कि मैम इसके इस चैप्टर में वन के अलावा कहीं पे टू आएगा भी या नहीं, हर जगह वन 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 वन. जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, वन एडिशनल यूनिट, उसमें भाई यही कहानी चलती रहती है, तो समटाइम्स बहुत बोरिंग हो जाता है. इनकम टैक्स वगैरह तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे अच्छा तो अगर इनकम टैक्स वगैरह जो रिलेटेड प्रोफाइल से है ना वो तो थोड़ा इंटरेस्टेड लगता है. जी सर बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ ना, इससे अच्छा तो इनकम टैक्स के कुछ चैप्टर्स डाल देते ना, भले कंप्यूटेशन डाल देते, इस बहाने आप लोग अपनी आईटीआर वगैरह खुद बहुत अच्छे से खुद से फिल कर पाते. अगर मॉड्यूल डी ना पूरा ही अगर टैक्सेशन का डाल देते तो आई थिंक वो ज्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग रहता एज कम्पेयर टू ये दीज कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर्स. बट पता नहीं क्या सोच के उन्होंने किया है, तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन करना तो पड़ेगा ही. चलिए करते हैं, देखिए बस ये वाली स्लाइड करते हैं, बाकी फिर कल मॉर्निंग में करेंगे और कल इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को ना. देखिए वर्क इन प्रोग्रेस एंड इक्विवेलेंट यूनिट, तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एज द प्रोडक्शन इज कंटीन्यूअस देयर इज ऑलवेज सम वर्क
वर्क इन प्रोग्रेस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सपोज जब भी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो उस समय पे कुछ ना कुछ काम जो होगा वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में जरूर होगा. कुछ फिनिश गुड्स भी होगा लेकिन कुछ आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा. सपोज वी वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है. द आउटपुट ऑफ द डे विल कंसिस्ट ऑफ सम यूनिट्स ऑफ, अगेन वही चीज कि उसके अंदर कुछ यूनिट्स फिनिश गुड्स की होंगी लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो अभी मशीन्स के अंदर है और येट टू बी फिनिश्ड है. सच इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स आर नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है. ऑल दीज अनफिनिश्ड यूनिट्स मे हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली. अब इस वर्क इन प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग स्टेजेस में हो सकता है. सपोज कुछ 90% कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ 10% कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है. इन सच अ सिचुएशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू असाइन टू वन यूनिट बिकॉज दो द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द डे इज नोन. हमें ये तो पता है कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ है. सपोज पूरे दिन में हमारा 100 रुपए का खर्च हुआ है लेकिन इस 100 रुपए को हम अलोकेट नहीं कर सकते हैं फिनिश गुड्स के ऊपर और वर्क इन प्रोग्रेस में 10% वाले पे और 90% वाले पे, ठीक है. आफ्टर फिनिश गुड्स तो हम कर सकते हैं लेकिन ये जो 100 रुपए वो इन पे भी तो लगाए तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि फिनिश जो फिनिश्ड यूनिट्स हैं उसको डिवाइड कर दें इस 100 से फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स की जो यूनिट है उसको डिवाइड कर दे, वो भी सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये 100 रुपए में कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर भी लगा 90% और 10% वाले में. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू असाइन द कॉस्ट टू वन यूनिट बिकॉज यही रीजन जो मैंने आपको बताया. दिस इशू इज एड्रेस्ड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो फिर क्या किया जाता है, फिर एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स. इफ 60 यूनिट्स आर एट अ स्टेज ऑफ 50% कंप्लीशन तो हम क्या करेंगे ना, हम इस 60 को क्या मान लेंगे, 30 फुल्ली फिनिश्ड यूनिट्स मान लेंगे. समझ पा रहे हैं आप लोग कि सपोज 10 यूनिट्स मेरी फिनिश्ड गुड्स हैं और 60 यूनिट्स जो हैं वो मेरी 50% कंप्लीट है. तो मुझे पता है 60 यूनिट 50% है तो इस पे कॉस्ट कितनी लगी होगी. मतलब अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं 30 फिनिश्ड गुड्स में तो क्या होगा भाई, मुझे पता है कि 60 पे अगर 50% लगा तो अगर मैं इसको 30 कर लूंगी तो फिर 100% आ जाएगा ना, 30 पे 100%. तो इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं. और हम क्या करते हैं वो परसेंटेज के बेस पे उसको, जैसे 50% है तो उसको हाफ कर लिया, ठीक है. और या फिर अगर अलग परसेंटेज है तो फिर उसको हमें अलग तरीके से करना होता है. जैसे देखिए 10 यूनिट्स का रेशियो आया ना मैडम, ये रेशियो में, हाँ रेशियो में कर सकते हैं सर. जैसे इसका जो कंप्लीशन स्टेज है वो 1:2 है या हाफ आप मान लीजिए, तो उस तरह से आप कर सकते हैं. अब देखिए जैसे इसमें 10 यूनिट्स 80% कंप्लीट हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको 8 फिनिश गुड्स मान लेंगे, ठीक है. तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, देखिए एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोग्रेस इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ठीक है. जैसे कि सपोज 60 यूनिट्स हुई है, इसका परसेंटेज क्या है 50%, तो 30 आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स हो गई. इक्विवेलेंट किसके, फिनिश गुड्स के. आई होप क्लियर हो गया होगा. बहुत ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि ये हम कैसे करेंगे और ये तो पूरी महाभारत जैसा होते जा रहा है, इतना हर स्लाइड में इतना कंटेंट. लेकिन आप बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए एग्जाम टाइम में आपको इतना बर्डन में बिल्कुल भी नहीं दूंगी, स्पेशली फॉर मॉड्यूल डी, ठीक है. आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ उतना ही करना है. क्योंकि ये अभी समझाने के लिए तो देखिए बहुत ज्यादा मैं आपको समझाऊंगी तब जाके थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत लीकेज वाला सिस्टम तो हमारे माइंड में भी रहता है, हर चीज हम लोग नहीं स्टोर कर सकते. तो अब मैं आपको इतना ज्यादा समझाऊंगी तो तब आपका 50% या 60% रिटेन रह पाएगा. और फिर जो इम्पोर्टेंट होगा वो तब बाद में पढ़ाऊंगी, तो वो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होगा थोड़ा हम कम कंटेंट के साथ पढ़ेंगे तो उसका जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो आई थिंक ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये इतने सारा जो कंटेंट है, ठीक है. तो प्लीज बहुत ज्यादा बोर होने की और बहुत ज्यादा टेंशन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है. बोरिंग तो है आई एग्री, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा एटलीस्ट एक बारी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. उसका रीजन एक और भी है ना, इसका हमारे पास कोई पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आ जाए. बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल ABC उसमें हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड्स है कि अच्छा YTM है तो वहां से यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है हमारे पास अभी पास्ट रिकॉर्ड. तो इसको हमें एटलीस्ट एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के कि बाय चांस क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसके अलावा कहीं और से भी आ गया
तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना ही करेंगे आज, और कल मॉर्निंग में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल मॉर्निंग में कितने बजे है मैम? सर 10 o'clock है मॉर्निंग में। सिर्फ आप ही क्या मैम, सर का भी है क्या? हाँ जी सर, सर की भी है क्लास, सर का शायद 9 बजे है। बट शेड्यूल में तो सिर्फ